दीवानी अपने फूल अर्पित समर्पित करते हुए सर देखिए सर सर भाई तुमने बहुत बहुत बधाई हो ऑल द बेस्ट ऐसे ही लगे रहो बाबा श्याम की कृपा है ठीक है फोटो मारना चालू कर दिया चलो सर सर इधर देखिए सर भाई यार एक मिनट आओ शूट कर रुको जरा मैं भी शूट कर रहा हूं रिपोर्ट को लगाया था भाई कैमरा ये पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं आदरणीय हमारे लखा जी जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें इस नए पोस्टर का इस म्यूजिक लॉन्च की ये पोस्टर जोरदार तालियों से जब दोनों क्या बोले कृष्ण मुरार क्या बात है जोरदार तालियां फिर एक बार क्या बात है सभी के लिए जितने भी अतिथि हमारे आदरणीय लखा जी हैं राजू भैया हैं नीरज भैया हैं घनश्याम जी हैं सभी हितेश प्रसाद जी सामने वन सेकंड दो शब्द के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय लखा जी ये मेरा काम 15-16 साल तो हो ही गए अपने बड़े भाई उस्ताद अशोक जी चंचल के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं और अशोक चंचल जी तो उस्ताद थे ही और उनका असर इस पर पड़ा है और मुझे खुशी हुई कि इसने इस लाइन में संगीत की लाइन में कदम रखा बाबा श्याम माता रानी इस पर सदैव ऐसे ही मेहर रखे ताकि माँ के चरणों से जुड़े रहें श्याम के चरणों से जुड़े रहें और श्याम भक्तों के चरणों से जुड़े रहे बहुत बहुत बधाई उनको है थैंक यू और मैं क्या बोलूं लखा भैया के लिए तो हाथ जबान भी कांप रही है ये बाबा के बड़े प्यारे भक्त हैं और मैं दिल की गहराइयों के साथ लखा भैया जी का शुक्र गुजार करता हूं एक बार जोरदार ताली बजाइए मैं उस काबिल नहीं हूँ मुझ जैसे नाच चीज के लिए आज इन्होंने अपना ये कीमती समय मुझे दिया है मैं इनका एहसान ये उम्र भर याद रखूंगा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी खुशी इतनी ज़्यादा है मैं और अंजलि के लिए इतना ज़्यादा हम लोग खुश हैं भैया ने बोला कि मैं कोशिश करूँगा और कोशिश ऐसे की कि मैं सरप्राइज हो गया जब भैया ने बोला कि मैं आ रहा हूँ और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता और मैं चाहूंगा मैं एक स्वागत तो होना चाहिए मैं चाहूंगा कि विकास जी खुद लखा साहब का फूलों से स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर अंजलि दुआ जी से भी चाहूंगा कि मंच पर आए एक बार जोरदार तालियां लखा साहब के लिए सेंटर 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 जो प्यार अब तक लखा जी ने रखा है बरकरार रखे आगे भी और जो आशीर्वाद जो दुआओं का दुआ जिनने जो दुआ सभी ने पढ़ी है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है बहुत बहुत शुक्रिया लखा साहब बड़े कीमती समय में इन्होंने अपना समय दिया उनके लिए मन से सभी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार थैंक यू सर लखा जी क्या कहना चाहेंगे आप आज इस पोस्टर रिलीज के लिए और जो ये लॉन्च हो रहा है म्यूजिक एल्बम इसके लिए मैं विकास दुआ और उनकी धर्म पत्नी हमारी बहू रानी को बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि आजकल का जो युग है वो युग बड़ा अजीब टाइप का युग है धर्म की तरफ लोगों का ध्यान तो है लेकिन बार बार उचट जाता है और इसने इस पर श्याम बाबा की कृपा हुई इसने सुंदर एल्बम तैयार की है भजनों की दोनों मियां बीवी ने और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें बिल्कुल नया टच है श्याम की मुरली और मुकुट दोनों की तकरार है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी सुनने वालों को बहुत पसंद आएगी मैं बाबा श्याम के चरणों में ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि इसको इस लाइन में लगा रखे और भक्तों का खूब प्यार मिले और
श्याम बाबा का आशीर्वाद से। जय श्री श्याम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में? हमारे साथ भजन सम्राट लखा जी हैं, और जैसा कि विकास मेरा बहुत ही अजीज मेरा छोटा भाई है, अंजलि हमारी छोटी बहन, मैं जब से मैंने शुरू से देखा है विकास, जब ये बॉम्बे आए थे तब से मेरे साथ इनका प्यार रहा है, और शुरू से मैंने इनका जो इनके भजन इनके हर रंग को जो सिंगिंग को मैंने सुना है मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा, और उस चीज़ को ये बरकरार रखे हुए अब तक जब से आए, नहीं तो ज़्यादातर लोग यहाँ भजन गाते गाते फिर गज़ल फिर पॉप फिर सब चीज़ें हो जाती, पर ये इन्होंने जो रंग को पकड़ा है और इसमें पूरी तरह डूब के जिस तरह से गाते हैं, मुझे लगता है कि ये वाली जो एल्बम है, ये वाले जो भजन है, ये विकास दुआ और अंजलि दुआ के लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, और मेरी दुआ है विकास दुआ के साथ कि उनकी ये एल्बम बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। और मेरे दोस्त जो मेरे भाई हितेश जिन्होंने इसका म्यूज़िक किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पूरी टीम को जिन्होंने भी इसमें जिनका साथ है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आशीर्वाद मिल गया लखा जी का तो ये कामयाबी अब इनके कदम चूमने वाले। विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे कि सर ने कहा कि आप भक्ति संगीत के अलावा किसी संगीत में गए नहीं, और जब से आपने शुरुआत करी तब से आज तक इसी में ही हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को अंजलि, मुझे ये मालिक की कृपा से ही अवसर इसी जन्म में प्राप्त हुआ है कि मैं उनकी कोई भी रचना उसका नाम लेके बनाता हूँ तो मुझे उसमें गाने का एक मौका मिलता है, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनको भी सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, लखा भैया हैं या अरविंदर पाजी हैं या उस्ताद मेरे चाचा जी अशोक चंचल जी, इन्हीं से हमने छोटे होते हुए सीखा है, और ऐसे एक वो चीज़ अंदर पैदा हो गई कि अब उसी लाइन में जिस लाइन में ये हैं हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भैया लखा भैया का और अरविंदर बाजी का जिन्होंने अपना आशीर्वाद अब तक बनाए रखा है, और उम्मीद है कि आगे भी यही बनाए रखेंगे। अपने एल्बम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी ये एल्बम बहुत ही प्यारा एल्बम है, जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार, ये कृष्ण भगवान जी की मुरली और मुकुट की, इसमें दोनों की एक आपस में वार्तालाप है, नोकझोंक है, मुरली कहती है कि मेरा रुतबा बड़ा है और मुकुट कहता है कि मेरा रुतबा बड़ा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो फिर लास्ट में हमने कोशिश की है इन वार्तालाप को इनकी ख़त्म करने का, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप दोनों ही मेरे लिए एक समान हो, और कोशिश की है एक मैसेज देने के लिए कि सारी दुनिया एक ही समान है और कोई किसी का वैरी ना बने, कोई नफरत दिल में ऐसा कोई दरार पैदा ना रखें एक दूसरे के लिए, तो दोनों ही एक समान हो, यानी कि आप सभी एक ही समान हो, जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार, तो कृष्ण भगवान ये बोले। अंजलि जी आपका एक्सपीरियंस में जो भी है एल्बम का पूरा? मैंने जब ये लिरिक्स हमने तैयार किए, जब पता चला कि ऐसा कुछ बनकर आ रहा है तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग गाने का, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, और जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तो वाकई में मतलब देखने में ऐसा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस रहा ऐसा कुछ गाने का, कुछ अलग करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी तक जितने भी लोगों ने देखा है, जितने भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, कुछ नया लगा। थैंक यू सर। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सभी अतिथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय, और मैं चाहूंगा पोस्टर का एक लॉन्चिंग बीच में आप
जोरदार तालियों से जितने भी हमारे जोरदार तालियों से इस पोस्टर का जो लॉन्चिंग जिस मुख्य उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हमारे मंच पर सभी सम्मानीय अतिथि गणों का तहे दिल स्वागत। मैं चाहूंगा एक बार पोस्टर आप सभी जन मीडिया के समक्ष इस खूबसूरत तस्वीर को आप दिखाएं। जोरदार तालियां बजाते एक बार हम सभी इस खूबसूरत पल के लिए। अभी हमने कुछ समय पहले इसका एल्बम जो रिलीज हो चुका हमने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका शूटिंग उसके लेआउट उसके जो लुक्स थे आप बहुत ही वो नज़ारा आपने देखा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो गेस्ट आए हैं एक बात तो बनता है क्योंकि अभी हमारे बीच आप देख रहे हैं फेडरेशन के मेन प्रेसिडेंट श्री बी एन तिवारी जी जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक दुबे जी और साथ ही फेडरेशन के ट्रेजरर श्री गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी जो कि फिल्म सेटिंग एक अहम कड़ी इस प्रोजेक्ट की तालियों से हम स्वागत करते हैं। दोबारा मुझे फिर जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार मैं फिर विकास दुआ को और अंजलि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आशीर्वाद भी देता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसे बहुत चिर से जानता हूँ मेरे बड़े भाई और उस्ताद अशोक चंचल जी का शिष्य रहा है और यकीनन सुर तो टाइट हो सकती है और अच्छा इसने गाया है अच्छा परफॉर्म किया है मेरा श्याम इन्हें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे। जय श्री श्याम। दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है इस एल्बम के लॉन्च पे। विकास और उनकी धर्मपत्नी अंजलि को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकास मेरा बच्चा है कुछ दिन मेरे पास भी संगीत की शिक्षा ली और बहुत अच्छा गायक है बहुत अच्छा सिंगर है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ ना कुछ नया करने की जिद्दत में लगे रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर इन दोनों को कामयाब करे। और हाल ही में मेरी कंपनी शाम सीरीज से लखा जी और मेरा एक बहुत सुंदर गीत रिलीज हुआ है और उस गीत को भी आपका प्यार चाहिए और मैं मेरी कंपनी से भी विकास और अंजलि का बहुत जल्दी एक गीत रिकॉर्ड करूंगा वो सिर्फ श्याम बाबा के चरणों में ही अर्पित होता है और ओरिजिनल भजन मैं उस कंपनी के लिए करता हूं तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हमारे बड़े भाई राम जी लखा जी धनशा वासवानी त्रिलोक प्रसाद जी शेष जी सब लोगों का आशीर्वाद विकास और अंजलि को मिल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। ये दोनों बहुत लक्की हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों बहुत सुरीले हैं और बहुत सुर में गाया ये भजन मुझे बहुत पसंद आया जो मैंने अभी देखा और मेरी भी श्याम बाबा कृष्ण मुरार सबसे यही प्रार्थना है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा कामयाबी ऊपर वाला दे शुभ नाम। राजू धनेरवाल जी भैया मेरे लिए प्लीज दो शब्द बहुत ही सुंदर गले के धनी मेरे छोटे भाई विकास जी दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अच्छे गायक तो हैं साथ में बड़े अच्छे दिल के मालिक भी हैं मैं दिल से इनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री श्याम। इन फिल्म में कहूँगा हमारे सभी गणमान जो यहाँ विराजमान है और स्टेज पे है बहुत बहुत मुबारकबाद विकास जी को और अंजलि जी को और जिन्होंने इतनी मेहनत कर दी पूरी टीम जो है हितेश है उनके कंपोजर हैं सरल कवि जी हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा आनंद आया सुन के बड़ा सुविधा काम हुआ है और मुझे उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण जी की
असीम कृपा इन पे बनी रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राजू खंडेलवाल जी, आपका भी मेरे से वादा है कि आप मेरी कंपनी के लिए गाने वाले हैं बहुत जल्दी शाम सीरीज के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां सभी अतिथि। निश्चित तौर पर विकास और अंजलि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन का एक अगला पड़ाव भक्ति गीत गज़ल
ये विषय पर वो रियाज कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद का एक एल्बम आज रिलीज़ किया है। मेरी और हमारे साथ जुड़े हुए 7.5 लाख वर्कर्स जो महाराष्ट्र में कार्यरत है, उन सब की तरफ से मैं विकास और अंजलि को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में विकास जी एक अच्छे गज़ल गायक के रूप में हमें देखने मिलेंगे। आज बड़ी उत्साह में यहाँ पर उनके एल्बम का इनॉग्रेशन हुआ। मुझे लगता है कि उसको बहुत ब्राइट फ्यूचर है। निश्चित तौर पर हम सबकी उसके साथ शुभकामनाएं। इसको एल्बम को निकालने के लिए तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने का वक्त लगा। पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तैयार किया, उसके बाद उसका म्यूजिक के लिए हम लोग सोच रहे थे कैसा इसका म्यूज़िक होना चाहिए, क्योंकि मुरली और मुकुट की इसमें बात है तो म्यूज़िक भी वैसा ही होना चाहिए। मेरे बड़े भैया हितेश प्रसाद जी जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, कंपोज़ किया है, जावर जी ने, जावर दिलदार जी उन्होंने कंपोज़ किया है। लिरिक्स बहुत अच्छा, सुपर लिरिक्स इसका लिखा है सरल कवि जी ने। तो 4 से 6 महीने 8 महीने हमको लग गए इस पूरे अंजाम तक इसको लाने के लिए। तो मैं आज बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज सभी लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी और ये वीडियो को यहाँ तक हम लोग लेके आए हैं। और विकास जी क्या कहते हैं कि आप और आपकी धर्मपति दोनों साथ में ही हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये कि एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है इस तरह? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। हम दोनों मिलकर के कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया एल्बम, कुछ नया क्रिएटिविटी करने का काम सोचते हैं, तो वो हो ही रहा है, मालिक की कृपा है। अरुण जी आप बताइए, आप भी काफ़ी नए कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस एल्बम का, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रचार प्रसार सिर्फ मेरे दोस्त मेरे भाई विकास जी के लिए है, क्योंकि हमारा एक पुराना संबंध रहा है। ये अपने क्षेत्र में माहिर है, मैं मेरे क्षेत्र में माहिर हूँ, जो हम एक ही क्षेत्र के जो आमने सामने खड़े हैं। ये मौका इनके लिए था क्योंकि मैं चाहता था कि इनकी सही दिशा में एक लोगों तक इनका मैसेज जाए, जो मेहनत करे पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करे लोगों के बीच में जाने का। तो सबसे पहले तो एंटायर मैं खुद एक मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते पूरे एंटायर टीम, खास करके आप लोगों की तरफ से इस एल्बम के क्रिएटिव जो मास्टर हैं विकास दुआ जी, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो डार्क फिल्मों की तरफ जो रुझान आजकल के आज युवाओं का है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे कंसेप्ट की तरफ भी फोकस हो, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच जरूर बदल सकती है, कहने की सोच बदलने की आज ज़रूरत है। विकास जी पूरी टीम, ये मीडिया की टीम है आपके लिए है, ये आपके दोस्त हैं, इन सभी का साथ आपके साथ हमेशा बरकरार यूं ही रहेगा। थैंक यू सर। और मैं पूरे एंटायर टीम की तरफ से आज जितने भी आयोजक आप देख रहे हैं कि कई जवाबदारियों से मैं आज घिरा हुआ हूँ। मैं लेबर यूनियन से भी जुड़ा हूँ, धड़क कामगार यूनियन के हमारे महासचिव श्री अभिजीत रानी जी भी आए, मंच की शोभा उन्होंने बढ़ाई, कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता की जवाबदारी भी उन्होंने दी है। लेकिन जो समाज मेरा जो पुराना समाज है वो तो छूटना नहीं है, अगर मैं एक मीडिया फील्ड में हूँ तो छूटना नहीं है, और ये तो मेरा जड़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जड़ जो फैले है इसको तो छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जो इससे रिलेटेड काम है उसे मैं कतई अनदेखा नहीं करूंगा, क्योंकि जहां तक प्रचार प्रसार की बात हो, सही दिशा में बात भले ही लेबरों की हो, वहां पे हम फाइट करते हैं, उनकी स्ट्रगल करते हैं, उनकी लड़ाई करते हैं। इस मंच पे आप देखिए बी एन तिवारी जी, अशोक दुबे जी, गंगेश्वर श्रीवास्तव जी, ऐसे दिग्गज हस्तियां, अभिजीत राणे जी जिनका नाम ही काफ़ी आप देख रहे हैं उनके बीच में, अब उनके आने के बाद माहौल कैसा बना, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ विकास दुआ को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। तो मैं चाहूँगा अपनी पूरी एंटायर टीम मीडिया टीम की तरफ से, ये सभी सम्मान्य अतिथियों की तरफ से विकास जी को, इनकी टीम के लिए, मुझे प्रचारक की भूमिका थी, मैं इनके साथ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है इनकी चीज़ों को देश दुनिया तक पहुँचाना, भरपूर प्रयास रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, पूरी टीम का। थैंक यू। नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना कि हमारी अभी की जो पीढ़ी है खास करके डार्क म्यूजिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो क्षण भर के लिए आता है चला जाता है, लेकिन आज भी अगर आप पुराने गीतों को गुनगुनाएं तो आपके लफ्ज़ अपने आप बयान करने लगते हैं कि आपका वो रुझान जो पुरानी संस्कृति आपके अंदर है, बशर्ते एक दिशा देने की ज़रूरत है। दिशा देने का प्रयास पिछले कई सालों से विकास दुआ इनकी पूरी टीम कर रही है, इस टीम में मैं भी शामिल हूँ पहले से ही। आज मुझे मौका जो मिला है, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों तक एक अच्छा संदेश भी लोगों तक जाए, हमें हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए, तो एक बार जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ भी रुझान होना चाहिए। थैंक यू।